और दोनों ही पहलवान आपने अपने पड़ोस गांव के, अजय पहलवान लखुआ से, दुष्यंत पहलवान झाड़सा से, एक बार दोनों पहलवानों के स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी बात है कि ये कुश्ती आर पार होती है, तो धामी पहलवान जी की तरफ से 5,000 रुपए। सभी दर्शकों को जोरदार तालियां, तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। 36,000 रुपए की होगी कुश्ती पर, आज पार करोगे तो भाई 5,000 रुपए दामी भाई की तरफ। बहुत धन्यवाद भाई का, कोई ना उठे, समझदार है भाई। हमारे गुड़गांव जिले के नामी पहलवान है ये दोनों, बड़ी अच्छी बात है। हमारे गुड़गांव में पहलवानी कम नहीं है वैसे। सभी दर्शकों को जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और मैं भाई बॉबी यादव जी और प्रोफेसर योगेश जी और अक्षय जी, उनसे होगा वो भी एक बार खाना ना, उनका भी हमारी कमेटी स्वागत कर लिया, धन्यवाद कर लिया। और पंकज पहलवान टकलू, अच्छा रोड बोल दो भाई, इस कुश्ती पर 500 रुपए ईश्वर पंडाला जब कमेटी के पास करो। अच्छी कुश्ती आपके बीच में है, दोनों हिंदुस्तान के उच्च कोटि के पहलवान है, दुष्यंत दलाल झाड़सा, अजय पहलवान लाखुआ, और ये दुष्यंत पहलवान जी हनुमान अखाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनेशनल पहलवान है। और अजय पहलवान सोना गुरु इंद्र के अखाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं। कितना टाइम बीत रहा, तीन मिनट कुश्ती की बीत चुकी है और 12 मिनट बाकी, 12 मिनट बाकी है, जल्दी कुश्ती नहीं दी जाएगी, ना बाहर दी जाएगी ना चलती दी जाएगी, दंगल से बाहर भी नहीं दी जाएगी। एक बार दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार तालियां बजाएं दोनों पहलवानों के लिए, जोरदार तालियां। देखिए आपके बीच में बहुत अच्छी कुश्तियां हो रही है, जो अभी पहलवान जी किशनगढ़ में दंगल करवा रहे हैं वहां पर भी यही पहलवान 2 लाख की कुश्ती पर लड़ेंगे। वही दिल्ली से हमारे भाई विक्रम यादव पहुंचे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अपना काम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी का। तालियां बजाओ, कितनी बढ़िया कुश्ती सर, इतने बड़े पहलवान इतनी स्पीड से लड़ रहे हैं, बड़े बहुत अच्छी बात है। भाई ये दम लगा कर रहे हैं, दंगल से बाहर कुश्ती नहीं मानी जाएगी, दम लगा इसलिए बीच से कुश्ती रख लो, और मट्टी में घना पानी छिड़कवा के पहलवान। और सत्पाल भारद्वाज जी हमारे गुरु जी, पिता तुल्य सत्पाल महाराज जी, घर में ऑनलाइन हो जाऊं जरा पकड़ो। हरवान जी हमारा घर का टाइम जोर बता, हरवान जी नमस्कार जी,
मोमेंट तो दे दो कैबी जी भाई टपलू सुंदू सुंदू सचिन त्यागी जी लास्ट है पूरे बाल है आप देख रही है साहब जा रहे हो क्या अभी जाओ पांच मिनट हमारी दंगल कमेटी होमा त्यागी जी भाई बेगरा चेयरमैन जी पिता तुल्य सतपाल जी भाई बेग बादशाहपुर जी आपका धन्यवाद करती है कमेटी में पहुंचने पर स्वागत करती है दंगल में पहुंचने पर आपका स्वागत करती है जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके पहलवानों का हौसला अफजाई किया भाई राज झाड़सा जी भाई राज झाड़सा जी बोले 5 नवंबर को गांव झाड़सा में कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लाखों रुपए के इनाम बांटे जाएंगे भाई राज झाड़सा पहला इनाम 1,51,031,000 21,000 बहुत बढ़िया दंगल होगा सभी पहलवान नोट कर ले भाई आप लोगों का यही सहयोग और प्यार अगर मिलता रहा तो नए साल पे हम बादशाहपुर में एक बहुत बड़ा टाइटल दंगल कराएंगे भारत के सिंह लेवल का और पहलवानों को बहुत बड़े बड़े इनाम हम यहाँ रखेंगे जैसे दिल्ली में पंजाब में और महाराष्ट्र में होते हैं अभी ये सब टाइम कितना रहा है इसका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल है और अजय पहलवान अपने मिट्टी के दंगल के पहलवान है ये भी राष्ट्रीय स्तर के पहलवान है दुष्यंत गुरु हनुमान अखाड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं गांव झाड़सा है इनका अजय पहलवान लाखवा से गांव है ये सोना गुरु इंदर के अखाड़े प्रैक्टिस करते हैं भाई ताली बजा दो जोरदार पहलवान संघर्ष कर रहे हैं और हो सकता है आप लोग ताली बजाओ और ये कुछ उठापटक कर सकते हैं 31,000 की कुश्ती दंगल कमेटी की तरफ से और हमारे जो 42,000 उन्होंने करा के 5,100 रुपए भाई धामी की तरफ से 5,000 रुपए और मैं भाई आर पार अगर होती है तो 2100 रुपए भाई विक्रम यादव हमारे मोदीपुर वाले ये धरने से कुश्ती 2100 रुपए कुश्ती का हिसाब लगा लिया कितनी हो रही है वो दिखाओ कुश्ती शहबाज पर तालियां बजाते रहो दोनों पहलवान अपने हैं अनुरोध करूंगा शांति बनाए रखे लड़ने दे दोनों हमारे कोच साहब एनएस क्वालिफाइड पूरी नौकरी गुड़गांव में इन्होंने कुश्ती की सेवा करते हुए निकाल दी है 5 मिनट रह गए भाई मैं अनुरोध करूंगा धामी पहलवान को शब्द बोलेंगे भाई मेरे दंगल में फाइनल कुश्ती में 2,00,000 रुपए का इनाम था बढ़ते बढ़ते वो इनाम 5,00,000 का पहुंच गया था उन्होंने कुश्ती बहुत बढ़िया दिखाई थी पहलवानों ने तो आप लोग भी बढ़िया कुश्ती दिखाओ इनाम की राशि और भी बढ़ सकती है भाई तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है एक बार जनता से अनुरोध है तालियां बजा दो भाई शायद है गुड़गावा जिले में रामोतार से बड़े दंगल शायद है किसी ने नहीं करवाए और भाई ने कुश्ती को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है भाई भाई का साथ देते रहो और भी बड़े दंगल करवाएंगे और भाई सारी जनता से अनुरोध है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एक बार किशनगढ़ में आओ दंगल देखो एक छोटा सा दंगल भाई मैं भी करवाता हूं एक बार आओ और देखो 5 मिनट रह रहे पूरे धामी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद 15वां भी साल दंगल है ये गुरु हनुमान कुंड दंगल 15वां जो किशनगढ़ में धामी पहलवान करा रहा है 5 मिनट रहे बहुत अच्छी टेक्निक दिखा रहे हैं पहलवान अजय पहलवान टांग मारने की कोशिश कर रहे हैं दुष्यंत बचने की कोशिश कर रहे हैं खुला ही पहलवान मजे हुए हैं
और हमारे रेफरी जो है वो उनसे मजे हुए हैं, हमारे कोच साहब जय भगवान जी। गुड़गांव जिले के द्रोणाचार्य यही है, इन्होंने ही यहाँ पौधे लगाई है कुश्ती की। और मैं कोच साहब से अनुरोध करूंगा, भी रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद किसी अखाड़े में सेवा देंगे कोच साहब। और सर जी जरा फेसबुक पे लाइव दिखा रहा हूँ। देखो कोच साहब आपका सीधा लाइव पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। देखे कोच साहब समय 3 मिनट बाकी, बस 3 मिनट बाकी है, पहलवानों से पूछ ली जाएगी, आगे लड़ना चाहेंगे तो लड़ाएंगे, नहीं तो हम जनता से अनुरोध करेंगे भाई एक एक खेच बहुत गई जान की है, मैच पर 6 मिनट में जी लिख रहा, कुश्ती बहुत फास्ट चल रही है। ताली बजाना जोरदार, बहुत अच्छे तुम्हें, इतनी भारी वजन की कुश्ती, इतनी फास्ट कभी कभी देखने को मिलती है। एक पहलवान नीचे बैठा लेता है, दूसरा नीचे से हाथ पाड़ के निकल जाता है, ये बड़ी बहुत अच्छी बात होती है। ओ बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही पहलवान हमारे महाराष्ट्र में अगर कुश्ती हो तो 5-5 रुपए का इनाम हो तो वहां भी बहुत बड़ी बड़ी चर्चा लगती है। बहुत थोड़े से इनाम है, पहलवान लड़ा रहे हैं, हमारा थोड़ा सा समय कम था इसलिए इनाम कम धर पाए, नहीं ये तो 5 लाख की कुश्ती होने के लायक थी। 2 मिनट बाकी है कुश्ती, हम कोशिश करेंगे अगले साल में कोई दंगल करवाएंगे। 8-14 मिनट रहेगी, अगला दंगल कराएंगे उसमें फर्स्ट कुश्ती में भैंस रखेंगे कम से कम 2-2.5 लाख की, और दूसरी कुश्ती में गाय और तीसरी में छोटा। ताली बजाना जोरदार इसी बात पर, हम इसे भी अनुरोध करूंगा कुछ ऐसे इनाम रखे जाए आकर्षित, जो पहलवानों के दूध घी खाने के काम आए, पैसे ले तो जाके घर वाले खर्च करते हैं। बहुत अच्छे बात, ताली बजाना जोरदार भाई, कबूतर से लग रहे दोनों भाई, कमाल कर दिए, बहुत अच्छे पहलवान, शाबाश, खुला आदमी भाई, बहुत बढ़िया, बजाओ जोरदार तालियां, इतनी अच्छी कुश्ती आप लोगों के बीच में, और दोनों पहलवान खूब लड़े हैं भाई, जब तक क्या चाहिए बताओ।